आखिर कंतारा मूवी में दिखाई जाने वाले पंजुरीली देव कौन है? एक पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह यानी सुअर के 5 पुत्र हुए, लेकिन उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वह अकेला भूख प्यास से तड़पने लगा और मृत्यु के करीब आ खड़ा हुआ। जब माता पार्वती ने उस नवजात वराह को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे कैलाश पर्वत लेकर आ गई और अपने पुत्र की भांति ही उसका लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे उस बच्चे ने विकराल वराह का रूप ले लिया और उसके मुंह से बड़े बड़े दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वह पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे भोजन की कमी के कारण लोग भूख से मरने लगे। जब भगवान शंकर ने यह सब देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह का वध करने का निश्चय किया, परंतु माता पार्वती ने महादेव से उस वराह के प्राण न लेने की विनती की। तब महादेव ने वराह का वध नहीं किया परंतु उसे कैलाश से निष्कासित करके पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया और वहां जाकर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। और दोस्तों, उसी वराह को आज दक्षिण भारत में पंजुरीली देव के नाम से पूजा जाता है।